YouTube गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप M416 में 6x स्कोप को लगाकर नो रिकॉइल उसको कैसे चला सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो हम बात करने वाला है ये एक बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि आपने सभी अच्छे अच्छे प्लेयर को देखा होगा, जैसे BUBU, TMINDY, स्काउट एंड सोल ओवेस, ये सब भाई M416 में 6x स्कोप लगाकर उसे नो रिकॉइल पर चलाकर खूब सारे एनिमीज को मारते हैं, खूब सारे किल्स करते हैं। तो आप भी इस कॉम्बिनेशन को यूज कर बहुत सारे बंदों को मार सकते हो। तो अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आप PUBG मोबाइल में ये चीज सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो एंड पसंद आए तो लाइक कर देना। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने ट्रेनिंग मोड में। तो चलो सबसे पहले चलते हैं अपना जो भी हमें रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं उन सभी को उठा लेते हैं, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मेन तो है गन हमारी M416, तो मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी M416 को उठा लिया है एंड थोड़ी बहुत एमओ भी उठा लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बहुत उठा लेता हूँ ताकि थोड़ी बहुत लुक अच्छी हो जाए अपनी। तो यहाँ पर मैं वेस्ट भी ले लेता हूँ, हेलमेट भी लेता हूँ। इसको मैंने वैसे ही उठा लिया, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर आपने जो ग्रिप लेनी है वो है भाई वर्टिकल ग्रिप। ये आपका भाई वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करेगी एंड ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टोक भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है M416 में, क्योंकि ये स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। एंड उसके बाद है कंपन सेंटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे यही फ़र्क पड़ता है कि आपकी गोली जो है जल्दी रीलोड हो जाएगी एंड थोड़ी सी एमओ आ जाएगी। तो एक्सटेंड क्विक ड्रॉ भी उठा लेते हैं एंड अब चलते हैं थोड़ी सी और एमओ ले लेते हैं एंड अब उठाएंगे अपना सिर्फ और सिर्फ 6x स्कोप। एंड गाइस मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या होता है, क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी, कैसे इंप्रूव करनी है, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले हम अपने 100 मीटर वाले बोर्ड पर चलते हैं एंड यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कंट्रोल करूँगा। जैसा कि भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कंट्रोल करा है, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ बटन दबा कर रखा। और अगर आप अपने मतलब कि अपने फिंगर्स को जो मेरा देख पा रहे हैं आप उसे डाउन नहीं करते तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं ये वाला जो मैंने ट्राई करा है इसमें मैंने अपने एम डाउन सेंसिटिविटी का यूज़ करा है, यानी कि ADS सेंसिटिविटी का। अगर आपको नहीं पता ADS सेंसिटिविटी क्या है तो आपने जाना है सेटिंग्स में एंड सेंसिटिविटी में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर ADS सेंसिटिविटी। तो ये आप देख पा रहे हैं 6x स्कोप की ADS सेंसिटिविटी ये होती है। तो यहाँ पर आपने इसे एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, यानी कि इससे क्या होगा जब आप एम डाउन सेंसिटिविटीज की फुल फॉर्म है ADS की। अब जब आप जैसे एम करा, अब यहाँ पर अगर आप फिंगर्स को डाउन करोगे ना, अब जितनी ज़्यादा अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाओगे उतनी जल्दी ये डाउन होगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरी सेंसिटिविटी मैंने कुछ सेट कर रखी है एंड अब मैं उसे नीचे करूँगा तो उतनी तेज फास्ट डाउन होगा। तो ADS सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको आपने सेट करना पड़ेगा अगर आप अपने फिंगर से रिकॉइल कंट्रोल करना चाहते हो। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप फिंगर से रिकॉइल नहीं कंट्रोल कर पाते तो उसका भी एक मेरे पास उससे भी बढ़िया एक तरीका है, जिससे आप बिल्कुल जीरो नो रिकॉइल पर चला सकते हो। ये तो मैं आपको एकदम टेस्ट कर दिखा रहा हूं। तो जैसा कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं मैं दोबारा से आ चुका हूं अपनी सेंसिटिविटी में। तो यहां पर हमें जाकर ऑन करना है अपने जायरोस्कोप को, आपने स्कोप ऑन पर सेट कर देना। ये देखो मैंने अपने जायरोस्कोप को जो है भाई स्कोप ऑन पर सेट कर दिया है एंड यहां पर अब आपने जाना है अपने जायरोस्कोप की सेटिंग्स। तो यहां पर मैं आ चुका हूं अपने जायरोस्कोप की सेटिंग में। आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं मैंने सबको 1111 सेट कर रखा है। तो ये सबसे नीचे आपको दिखेगी 6x स्कोप की जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर आप इसे धीरे धीरे एडजस्ट करिए। तो मैं फर्स्टली मैं इसे ट्राई कर चुका हूँ, मैं इसे करते रहता हूँ, तो मैं इसे 100 पे सेट करता हूँ। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसे ही आप स्कोप ऑन करोगे ना, अब यहाँ पर आप मेरा डिवाइस देख पा रहे हो भाई, मैं इसको मेरा जो है टिल्ट वाला जो सेंसर होता है ना मोबाइल का, वो आपका काम करने लग जाएगा। अगर आपका कोई भी डिवाइस है सब डिवाइस में होता है, आप ये मत सोचिए कि मेरे पे आईपैड है तो उसी में काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब आपका रिकॉइल आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, जैसा कि भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर किस तरीके से जो है भाई ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम इसको इसके थ्रू रिकॉल कंट्रोल करेंगे। अब अपने आईपैड को धीरे धीरे नीचे करेंगे। अभी गाइज मैंने ना इसकी रैंडमली कोई भी सेंसिटिविटी कर दी है, बट इसे अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए भाई बिल्कुल भी रिकॉल नहीं हो रहा है। अभी मैंने अपने 6x को 3x नहीं बनाया, क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं अपने 6x को ना गाइज 3x बना लेते हैं। जैसे ये देखो, अगर आप इसको 3x बना लोगे ना तो भाई फिर तो रिकॉल है ही नहीं, गन आपकी जहाँ रख दोगे वहीं चलेगी। अब आपने थोड़ी सी जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को सेट करना है और फिर आप एकदम नो रिकॉइल गन को चला सकते हो। एंड अगर आपके आगे कोई भी स्क्वाड आती है ना, मतलब कि उसका लेवल 10 का भी हेलमेट होगा ना भाई, बहुत ही गंदा स्प्रे उसको पड़ेगा। एंड गाइस अगर आपको ये लगता है ये थोड़ा मजाक सा मैं कह रहा हूँ,
तो आप जाकर चेक करो भाई टीम आईएनडी स्काउट कैसे इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। एंड अगर आपने व्यू व्यू को देखा होगा तो आपको उससे पता ही चल गया होगा कि M416 एंड 6X का कॉम्बिनेशन भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जाकर लाइक करना, एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यार चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई मैं आपके लिए और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ यार मेरे को नीचे कमेंट में जाकर जरूर ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट गाइड वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, जिससे कि मेरे को भी हेल्प होगा, कंटेंट मिलेगा मेरे को भी। तो प्लीज़ यार नीचे आकर कमेंट जरूर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।